अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे। अगेन एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद एयू के प्लेटफॉर्म पे दोबारा आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी कि हम इस दफ़ा जो है ना जनरल बात करेंगे कि हमने किस तरीके से अपनी जो प्याज की पनीरी के लिए शिफ्टिंग से पहले उसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और किस किस्म के रिजेस बनाई जाती हैं, किस किस्म के बेड्स बनाए जाते हैं, उनके क्या साइजेस होते हैं, आज उनके हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में प्याज मुख्तलिफ तरीक़ों से काश किया जाता है। लोग उसे आम ज़मीन पर भी काश करते हैं, कोई रिजेस नहीं बनाते हैं। वो तरीका भी काश किया जाता है। केपी में ये तरीका भी काश किया जाता है। ये समझ लें कि कोई बेड भी नहीं बनाए जाते हैं और लोग छोटे छोटे प्लाट्स बना के उसके अंदर प्याज लगा देते हैं, 4 इंच 3 इंच के फासले पर। और अगर पंजाब की बात की जाए तब पंजाब में मुख्तलिफ तरीक़ों से काश की जाती है। अगर मैं पहले तरीके की बात करूँ तो एक तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराना है, जो पुराने रूटीन वाला तरीका है, जो वो है रिजेस वाली काश। रिजेस वाली काश इस किस्म की होती है कि लोग ये समझ लें कि 8-9 इंच वाली जो है ना ऊपर से जिसका इस पे जो रेड ये समझ लें कि रिज होती है, जो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो समझ लें 8-9 इंच का उसकी ऊपर की स्पेस होती है और वो एक रिज टाइप की नज़र आती है। तो ऐसी खेलियाँ निकाली जाती हैं और वो लंबाई में और जितनी मर्ज़ी आप रखें और उसके अंदर जो पानी का जो जहाँ से पानी गुजरना होता है, जो पानी की खेली होती है, वो समझ लें कि वो भी तकरीबन 8-9 इंच उसकी भी चौड़ाई होती है और गहराई भी होती है। तो इस किस्म की खेलियाँ भी बनाई जाती हैं और ये खेलियाँ बहुत पुराने अरसे से प्याज के लिए बनाई जाती हैं। अब इस पे जो काश्त होती है वो होती है, अब मैं आपको बताऊँ तो मैंने मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना उसमें प्रैक्टिसेस देखी है। कुछ इलाकों में 3 प्लांट्स भी देखी हैं उसके ऊपर जो रिज होती है। अगर आप उसको गौर से देखें तो उसके 2 साइडों पे लगा दिए जाते हैं प्लांट्स और 1 सेंटर में ऊपर लगा दिया जाता है और 3 प्लांट्स पे लगाए दिए जाते हैं और जो जिसकी मैंने आपसे कहा कि ऊपर की स्पेस उसे 8-9 इंच की रखी जाती है, उसमें भी यही प्रैक्टिस की जाती है। उसमें भी 3 और कुछ जगहों पे 4 भी पौधे लगाए जाते हैं। गुजरांवाले के इलाके में 4 भी लोग लगाते हैं और ऊपर की जो आप ऊपर की तरफ चले जाएँ आप मेलसी करोड़ पक्का और लोधरा इस तरफ बालपुर की तरफ चले जाएँ तो उस तरफ आपको जो है ना ये समझ लें कि उन इलाकों में भी आपको 3-4 पौधे नज़र आएंगे। 3 की ज़्यादा मकदार रखी जाती है क्योंकि जब आप पौधे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो पानी नहीं पहुँच पाता या कंजेस्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे में लगते हैं। तो फासला वही है, 3 से 4 इंच का फासला रखा जाता है पौधे से पौधे के दरमियान में और प्लांट टू प्लांट के दरमियान में और लाइन टू लाइन के दरमियान में। तो एक प्रैक्टिस है। अच्छा, दूसरी प्रैक्टिस क्या है जी? दूसरी प्रैक्टिस ये है कि जी लोग मल्चिंग पे काश करते हैं। मल्चिंग जी मैं को नहीं पता, प्लास्टिक की, काले प्लास्टिक की जो है ना बेड बनाए जाते हैं। बेड बनाए जाते हैं 2.5 से 3 फुट के बेड बनाए जाते हैं और उसके ऊपर ये समझ लें कि अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट इंचेस की तो 18 से 20 इंच का जो है ना बेड बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है ना ये समझ लें कि 4 से 5 पौधे भी लगाते हैं। आप अगर 3-4 इंच के फासले के हिसाब से बात करें तो 5 पौधे बहुत आसानी आ जाते हैं। आप उनको एक दूसरे से लाइन टू लाइन भी फासला वही 3 से 4 इंच रखा जाता है और जो है ना प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो भी 3 से 4 इंच का फासला रखा जाता है। तो कुछ लोगों पे 6 प्लांट्स लगते हैं, कुछ पे 5 लगते हैं। अब आप पे डिपेंडेंट है आपने कितना बेड की चौड़ाई रखी हुई है। जो मल्चिंग के अंदर का जो वो है उसमें जो मेजर मकसद होता है वो होता है पानी की उसको रोकना और दूसरी है तो उसमें वीड्स जो है ना जड़ी बूटी जो है ना गंदी बूटी जिसे कहते हैं या जड़ी बूटी जिसे कहते हैं उसके रोक के लिए, उसके रोकथाम के लिए मल्चिंग की जाती है। दूसरा पानी जो है ना ऑपरेट नहीं होता तो उन बेड्स में आपको बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक नुकसान उसमें है कि अगर आपने
बहुत ज़्यादा पानी लगा दिया तब भी नुकसान है, या बहुत कम पानी लगा दिया तब भी नुकसान है। अगर आपके सेंटर के पौधों को पानी नहीं गया तब आपको भी नुकसान होगा। तो मल्चिंग में आपको 1 साल 2 साल आपको प्रैक्टिस में लग जाते हैं, जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे कितना पानी लगाना है, जिससे मेरे अंदर के जो पौधे हैं उनको भी पानी चला जाएगा। तो मल्चिंग में एक चीज़ का ये ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा है कि फिर मैंने सियालकोट में कुछ फार्मर्स को देखा है कि वो लोग मल्च के नीचे ड्रिप भी करते हैं, तो वो फिर उनको फिर बेनिफिट है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें मैंने देखा है कि वो लोग फिर केली का थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखते हैं, 42 इंच भी मैंने केली देखी हुई है और 20-22 इंच भी देखी हुई है। अब अगर वो दो दो लाइन दो दो पाइप्स जो है ना ड्रिप के लगा रहे हैं तो ठीक है, 42 इंच से भी उनका बहुत अच्छा काम चल जाता है। और उस समय जब 42 इंच की जो केली बनाई जाती है वो समझ ले कि ये उसका एक अपना बेड जो है ना शेपर होता है, जैसे बेड शेपर कहा जाता है, वो एक लोग बनवा लेते हैं अपने हिसाब के हिसाब से। और कुछ अब मिलते भी हैं मुख्तलिफ एरिया में, डस्के में मिलते हैं और सियालकोट के करीब ही है, गुजरांवाले के भी सेंटर में, गुजरांवाले से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जहाँ ये चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी आपको। अब मैं बात कर रहा था कि जो बेड शेपर है वो 42 इंच वाले जो है ना वो आपको तकरीबन एकड़ में आप ये समझ लीजिए कि 40 बेड आपको बना के दे सकते हैं। अब एक जो 40 बेड जो 42 इंच का जो वो है बेड है वो आपको 10 प्लांट बआसानी एक बेड के ऊपर आ सकते हैं उसके। तो ये एक प्रैक्टिस भी की जा रही है। अब इसमें यह है कि आपको वही बात है कि आपने सेंटर के पौधों के लिए बहुत एहतियात करनी है। जब भी आप बेड बड़ा रखेंगे तो आपने सेंटर के पौधों का बहुत एहतियात करनी है कि उनको पानी लगना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हो तो सेंटर के पौधों को या साइड के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, उससे भी मसले होते हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप जो 8 इंच वाला जो जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन है, आप 3 से 4 पौधे लगाएं, इससे ज़्यादा मत लगाएं। अगर आप 10 इंच वाले उसमें भी जाते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि ड्रिप का सिस्टम करें, ड्रिप का सिस्टम हो सकता है तब आप ये प्रैक्टिस करें। ये एक दो तीन प्रैक्टिसेस थी जो बहुत आम है हमारे रूटीन में, इसके अलावा एज सच कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अच्छा, अब हमने ब्रेड बना लिए और ब्रेड पे हम ट्रांसप्लांटिंग करने लगे हैं, तो इससे पहले कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर उस शुरू से ही पेंडीमेथिलिन का जो है ना स्प्रे कर देते हैं, जो उससे क्या होता है कि पानी लगाने के बाद पेंडी का स्प्रे कर देते हैं, तो उससे एक एक प्रैक्टिस ये हो जा बचत हो जाती है आपकी कि आपकी वीड्स जो जिन्होंने अभी जर्मिनेट होने हैं वो जर्मिन होते ही वो डेड हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस आप अपने जहन में रखिए। दूसरा, खादों का इस्तेमाल, ये आपने बहुत बड़ा मसला है जो हमारे प्याज के फार्मर्स के साथ है। हम इनिशियल में जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से, एक बात का बस ख्याल रखें कि आपने हमेशा ज़मीन वो मुख्तस करनी है अपने लिए, वो ज़मीन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको पता हो कि ये ज़मीन जरखेज़ है। तरखेज़ का मतलब ये है कि वो ज़मीनें आप सेलेक्ट करें जहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। अगर मैं बात करूँ सियालकोट और गुजरांवाले के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो सियालकोट और गुजरांवाले के सेक्टर्स जो है ना ये हैं सारे चावलों के बेल्ट हैं। तो अब जो लोग चावलों की बेल्ट के ऊपर प्याज की काश करते हैं उन्हें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उन्हें बहुत सारे मसाइल आते हैं, क्योंकि प्याज एक सर्दी की फसल है। तो प्याज सर्दी की फसलों में ज़्यादातर एक मसला ये आता है कि उन्हें बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, तो आपको फिर बाद में बहुत सारे बीमारियों के मसाइल पेश आते हैं। तो जब आप जो ज़मीन आप सेलेक्ट करें अगर उसमें पानी का निकास अच्छा है और वो ज़मीन पानी जल्दी खींच लेती है तो वो बेहतरीन ज़मीन है आपके लिए प्याज के लिए। और प्याज की अगर हम खादों की बात करते हैं तो प्याज की खादों के लिए देखिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। बेहतरीन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन किस चीज़ में कमज़ोर है। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो फिर जनरल जो प्रैक्टिस आम रूटीन में हो रही है, DIP शुरू में जो है ना 1-2 बोरी आप DAP ज़मीन में मिक्स करके उसको हल चलवा लें, उसके साथ अगर आपको जो मिलती है ऐसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म की जो आपको रूड़ी मिलती है वो बेहतरीन है, वो पहले से उसके अंदर
पुरानी रूढ़ी ले लें, अगर आपको 6 7 3 साल की पुरानी रूढ़ी मिल जाती है वो बेहतरीन होती है, वो ठंडी होती है, उसमें आपको ये दूसरे मसाइल नहीं होते, जम्स नहीं होते जो वहाँ से ट्रांसफ़र आपके पास आएंगे, तो उसको ज़रा ट्रीट कर लें, ज़रा स्प्रे कर लें उसके अंदर फंगिसाइड के, मिक्सिंग कर लें और उसको अपने खेत के अंदर मिक्स करके रोटावेटर से अच्छे से हल चला दें उसके अंदर, तो वो बेहतरीन एक प्रैक्टिस है कि वो आप अपनी ज़मीनों में डाल लें। उसके बाद आप DAP के का इस्तेमाल कर लें, ज़रखेज़ का इस्तेमाल कर लें, वो डाल लें आपने उसके ज़मीनों के अंदर। अच्छा, अब ज़मीन एक दफ़ा आपने तैयार कर ली, अब आपने क्या करना है कि बेहतरीन एक अमल ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी कि आपने हर पानी के साथ, नाइट्रोफास, एक खाद है जो हर ज़मींदार को मालूम है, नाइट्रोफास आप अपने हर पानी के साथ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आप समझते हैं कि मैंने आगे अच्छी आउटपुट ले लूँगा तो ये मेरा जो जो खर्चा है ये आगे निकल आएगा इंशाल्लाह ताला, तो आप कोशिश करें कि हर पानी के साथ एक बोरी, लाजमी एकड़ के लिए एक बोरी लाजमी फ्लड करें। असल में हम प्याज को रूट्स रूट प्लांट्स में गिनते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर गिने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है तो ज़मीन के ऊपर ही, अगर आप गौर से देखें ये इतना ज़मीन के अंदर नहीं होता, इसकी सिर्फ जड़ अंदर होती है, तो हम अब इसे हम रूट्स में तो गिनते हैं, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें, तो ये एक लीवी प्लांट है, लीफी प्लांट जिसे कह लें आप, इसमें टॉप टू बॉटम तक आपको सिर्फ लीव्स नजर आएंगे, इसमें कोई बल्ब नहीं है, हम इसे जैसे बल्ब जैसे समझ रहे होते हैं, एक्चुअल में वो लीव्स हैं, अगर आप इसे गौर से देखें, देखिए वो लीव्स की एक एक लीव के ऊपर दूसरा लीव है, तीसरा लीव है, चौथा लीव है, तो देखिए जितने भी लीवी प्लांट हैं इनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा अच्छी ज़रूरत होती है। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस में रह चुका है, मैंने देखा हुआ है जिन लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, मैं कोई अच्छा अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं थी लेकिन मैं बात करूँगा कि देखिए जिन इलाकों में गंदा पानी प्याज को दिया जाता था, ये मैं उन इलाकों के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिन इलाकों में गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है प्याज की फसल के लिए, आप बिलीव करेंगे कि वहाँ मैं 1 kg से ऊपर के प्याज देख चुका हूँ। तो देखिए गंदे पानी में क्या है, अब गंदे पानी में तो बहुत सारे नमकियात हैं, लेकिन देखिए उसमें नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा मिकदार से होती है, उसमें फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा मिकदार से होती है। आपके लीफी जितने भी लीव्स वाले जो प्लांट्स हैं उनके लिए आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की सख्त ज़रूरत है, तो अगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोफास में देखिए फास्फोरस भी अवेलेबल है और नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, और ये दोनों ऐसी फॉर्म में है कि ये जल्दी से प्लांट को अवेलेबल हो जाती है, तो बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप अपनी कोशिश करें कि एक दो प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा लोग दे देते हैं या नाइट्रो यूरिया बहुत ज़्यादा फ्लड करते हैं, उससे बचें, क्योंकि देखिए हाइब्रिड्स वैसे भी बहुत कमज़ोर होते हैं बीमारी के लिहाज से, और दूसरा ये सर्दियों के प्लांट्स हैं तो सर्दियों वाले जितने भी क्रॉप्स होती हैं इन पर बीमारी के बहुत शदीद अटैक होते हैं, तो बाद में आपको इतने मसाइल आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, बजाय बल्ब बनने के बैठता चला जाएगा पौधा आपका, तो नाइट्रोजन की खादों से ज़रा बच के रहें, बेहतरीन है कि नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें। नाइट्रोफास ये है, अगर आप पूरी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो हर पानी के साथ आधी बोरी लाजमी इस्तेमाल करें। ये वक्फे से देने का मकसद ये है कि देखिए प्लांट आपका जब छोटा होता है तो उसको खुराक की भी कम ज़रूरत होती थी, जितना वो जल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है उसकी उतनी ही खुराक की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है, तो जब आप उसे आहिस्ता आहिस्ता खुराक देंगे तो एक तो वो टाइम टू टाइम खुराक कंज्यूम करता जाएगा और वो ओवरबर्डन नहीं होगा तो वो बेहतरीन नशोनुमा पाएगा। तो ये कुछ बातें थी जिनका आपने ख्याल रखना। तो दूसरा वही बात कि शुरू में जो मैं पहले भी बात करती थी, तो कोशिश करें जो आपके जो लगाने वाले जो बनते हैं उनसे हमेशा कोशिश करें कि उनसे कहें कि प्लांट को लगाते हुए बहुत ख्याल करें कि वो लगने के साथ ही वो स्टैंड कर जाए और वो ज़्यादा टाइम न ले, बीमारी में या किसी और मसाइल में वो फंसा ना रह जाए।
तो एक तो टायर जो डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म रखें, एक जैसा डिस्टेंस रखें, 3 इंच रखते हैं तो 3 इंच रखें, 4 इंच रखते हैं तो 4 इंच रखें, और ज़्यादा डीप ना लगाएं, बस बराबर जो लगा सकते हैं उस हिसाब से लगाएं, ताकि बल्ब जो बने तो वो ऊपर की तरफ बने, नीचे के ज़मीन के अंदर फंसा ना रह जाए। जब आप पानी बहुत ज़्यादा दे जाते हैं तो उससे भी एक मसला आता है कि ज़मीन पकड़ जाती है और बल्ब फंस जाता है, जब बल्ब फंस जाता है तो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो ये कुछ बातें थी जिनका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपके एक एकड़ में वैसे तो रिकमेंडेड जो है ना वो है 2.5 से 3 लाख पौधा होना चाहिए एकड़ में, अगर आपके एक एकड़ में 1.5 से 2 लाख पौधा भी है और आपकी एवरेज 250 ग्राम आ रही है तो भी आप बेहतरीन पैदावार लेंगे। तो इंशाल्लाह जो मैंने बातें की, इंशाल्लाह अगर आपके आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये अच्छी बातें हैं तो इंशाल्लाह शेयर करें अपने भाई के साथ। और अगर कोई कमेंट्स हैं और आप समझते हैं कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लास्ट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं। बाकी उम्मीद करता हूं कि मैंने काफ़ी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। तो अब आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आप पेस्टिसाइड के बारे में आगे से इंशाल्लाह बात करेंगे, और जो हमारी बीमारियाँ हैं उन पर बात करेंगे, पेस्ट के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, और टू द एंड फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे हमारी एक्चुअल एक एकड़ से कितनी क्रॉप निकलनी चाहिए और कितनी हमें आ सकती है, हमें क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, कहाँ हमें से लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, इसलिए दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।